आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई हुई फैमिली फ्रेंडली मूवी सील टीम को। मूवी की शुरुआत HMMF मिलिट्री फोर्स से स्टार्ट होती है। यहां हमें दो सील्स और एक डॉल्फिन को दिखाया जाता है। मूछों वाले सील्स का नाम क्लेगर्ट होता है और दूसरे का स्विच और डॉल्फिन का नाम डॉल्फ होता है। ये तीनों आर्मी के ट्रेंड एनिमल्स थे। ये लोग पानी में एक बॉम्ब को ढूंढते हैं, जिसके बाद स्विच और डॉल्फ क्लेगर्ट से कहते हैं कि चलो हम अब इंसानों को बता देते हैं कि यहाँ बॉम्ब है। लेकिन तभी क्लेगर्ट बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए उसका एक तार काट देता है। इसके बाद मिलिट्री के लोग बॉम्ब को ऊपर ले लेते हैं और इन तीनों को इनका ट्रेनर शाबाशी देता है। तभी बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि क्लेगर्ट ने बॉम्ब का गलत तार काट दिया था, क्योंकि सील्स कलर ब्लाइंड होते हैं, इसलिए क्लेगर्ट को सही तार का नहीं पता था, जिस कारण उसने गलत तार काट दिया और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब डॉल्फ पानी में गिरने वाला होता है। क्लेगर्ट उसे बचाता है, लेकिन तभी डॉल्फ पानी में गिर जाता है। तभी डॉल्फ रियलाइज करता है कि मैं तो एक डॉल्फिन हूँ और वो बच जाता है। इसके बाद मूवी कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमें अब दो सील्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम इंथा और एक का बेंजी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ये एक सीलाइन आइलैंड पर रहा करते थे। ये खाना ढूंढने समुद्र में आए थे, लेकिन शार्क्स ने इनका जीना दुश्वार कर रखा था। अब ये दोनों मछली की तलाश में यहाँ आए थे। इन्हें एक मछली मिल भी जाती है, लेकिन वो बचकर निकल जाती है। तभी क्विन को एक मिलिट्री लॉकेट मिलता है। क्विन उसे लेता है। तभी हैं खाने के लिए यहाँ शार्क्स आ जाती हैं। ये लोग अब शार्क से बचकर भागते हैं और अपने आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ क्विन बेंजी को अपने जैसा एक लॉकेट बना के देता है। अब रात में क्विन भूख के कारण सो नहीं पा रहा होता, तो वो अब खाने की तलाश में फिर से समुद्र में जाता है। यहाँ बेंजी भी उसके साथ आता है, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त है। अब ये दोनों खाने की तलाश में एक शार्क जैसी दिखने वाली शिप के पास पहुंचते हैं। तभी यहाँ एक बड़ी शार्क, जिसका ये इलाका था, वो यहाँ आ जाती है। उसका नाम ग्रिम्स था। अब ग्रिम्स इन दोनों को खाने वाला होता है। तभी ये दोनों उससे बच के भागते हैं, लेकिन ग्रिम्स बेंजी को खा जाता है। क्विन कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर भागता है, पर तभी ग्रिम्स उसे खाने के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी क्लेगर्ट क्विन को बचाता है और क्लेगर्ट ग्रिम्स को भी चकमा दे देता है, और फिर वो क्विन को बचाकर एक पत्थर पर छोड़ देता है। अब तीन सीगल्स आकर क्विन को उठाते हैं। इनमें से एक का नाम डी था और एक का रॉजर, और जो लास्ट वाली तीसरी थी उसका नाम था मेडे। अब क्विन डी से पूछता है कि क्या उसने किसी मूछों वाले ओल्ड सील को देखा है, तो डी कहती है हाँ, उसका नाम क्लेगर्ट है। अब डी क्विन को क्लेगर्ट की शिप के पास पहुंचा देती है। क्विन अब क्लेगर्ट के पास जाता है और कहता है, आपने शार्क को कैसे हराया, क्या आप मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो क्लेगर्ट कहते हैं नहीं, अब जाओ यहाँ से। लेकिन क्विन यहाँ से नहीं जाता। वो क्लेगर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करें, ताकि वो अपने फ्रेंड बेंजी का बदला उस शार्क से ले सके। तो क्लेगर्ट क्विन को बताते हैं कि वो उसे ट्रेन कर देंगे, लेकिन वो शार्क को अकेले नहीं हरा सकता, उसे टीम बनानी होगी। अब क्विन अपने आइलैंड पर जाता है और वहाँ सबको बताता है कि बेंजी को शार्क ने खा लिया है। इसके बाद वो सबसे कहता है कि हम कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र से खाना लाएंगे, हमें शार्क्स को हराना होगा, तो कौन कौन मेरे साथ है? लेकिन यहाँ कोई भी क्विन का साथ नहीं देता। तभी क्विन को दो लोग मिलते हैं जो उसके साथ टीम बनाने के लिए मान जाते हैं। उनमें से एक बेथ थी और एक था जिराल्डो। अब ये तीनों क्लेगर्ट के पास ट्रेनिंग लेने जाते हैं। क्लेगर्ट अब इन तीनों को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। वो इन्हें आर्मी के पैतरे सिखाता है और इन्हें आर्मी की कोड लैंग्वेज भी। एक दिन क्लेगर्ट इन्हें बताता है कि उसे कलर्स नहीं दिखते, वो कलर ब्लाइंड है। इसी वजह से एक दिन उसने बॉम्ब का गलत तार काट दिया था, जिस वजह से उसकी पूरी टीम बिखर गई और इन्हें रिटायर कर दिया गया। तभी क्विन बताता है कि सभी सील्स कलर ब्लाइंड होते हैं, हम में से किसी को भी कलर नहीं दिखता। इसके बाद क्लेगर्ट को समझ आता है कि उस वक्त क्लेगर्ट की गलती नहीं थी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब क्लेगर्ट अपने पुराने साथी स्विच के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल करता है। स्विच ने यहाँ कई सारे हथियार बना रखे थे और उसके पास
एक इनविजिबल करने वाला ऑक्टोपस से बना ऑक्टोसूट भी था। अब ये पांचों एक टीम बन जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक शार्क को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। तभी ग्रिम्स का खबरी ग्रिम्स को जाकर ये खबर देता है कि स्टील्स ने एक शार्क को पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे हरा दिया। तो ग्रिम्स अपने खबरियों के जरिए सभी शार्क तक ये बात पहुंचा देता है, जिसके बाद सभी शार्क सी आइलैंड को घेर लेती हैं। कुछ स्टील्स शार्कों के बीच फंस जाते हैं। तभी डी क्वीन को जाकर ये बात बताती है। तो ये लोग अब शार्क्स को आइलैंड से दूर भगाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए इन्हें एक बोट की जरूरत पड़ती है, तो ये एक बोट लेने बोट डेक पर जाते हैं। यहाँ इन्हें मैग्निफिसेंट जिम नाम की सी लायन मिलती है, जो काफी फुर्तीली थी। ये जिराल्डो को जानती थी, तो अब ये भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक बोट चुराते हैं और फिर ये शार्क्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके बाद सील्स बच जाते हैं। ये सभी अब शार्क्स को सबक सिखाते हैं। तभी इनकी बोट ठुक जाती है। ये लोग एक ग्रिम्स के खबरी को भी पकड़ लेते हैं। दो शार्क्स इन पर नजर रखती हैं कि ये कहीं ना जाएं। तभी जिंग और जिराल्डो इनका ध्यान भटकाते हैं और बाकी सभी लोग ग्रिम्स के खबरी के जरिए ग्रिम्स के अड्डे पर पहुंचते हैं। यहाँ क्वीन ऑक्टोसूट पहन के इनविजिबल होकर ग्रिम्स के पास जाता है। यहाँ ग्रिम्स सभी शार्क्स को बता रहा था कि सील्स अब खास दिन पर समुद्र में उतरेंगे, तब हम उन सभी को खा लेंगे। सील्स एक खास दिन पर रेस के लिए पानी में उतरते थे। तभी क्वीन का ऑक्टोसूट खराब हो जाता है, जिसके बाद सभी शार्क्स उसे देख लेती हैं। तभी क्वीन ऑक्टोसूट को अनएक्टिव करता है, जिसके बाद सभी ऑक्टोपस चारों तरफ काली इंक फेंकते हुए अलग हो जाते हैं, जिससे क्वीन और शार्क सभी काले धुएं में घिर जाते हैं। तभी यहाँ क्लेगार्ट आते हैं, वो क्वीन को बचा देते हैं और वो सभी शार्क को संभालते हैं। तभी बेथ और जिराल्डो क्वीन को यहाँ से ले जाते हैं। क्वीन अब आइलैंड पर जाता है। तभी वहाँ एक ओल्ड सील उसे बताते हैं कि सभी सील्स रेस के लिए समुद्र में उतर चुके हैं। अब क्वीन सील्स को बचाने के लिए वापस अपनी टीम के पास जाता है। ये लोग अब शार्क्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी शार्क्स थी। ये उन्हें शिप में बंद करने की सोचते हैं, लेकिन सभी शार्क्स बाहर निकल जाती हैं और वो सील्स को खाने बढ़ती हैं। तभी ये लोग शार्क से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, लेकिन तभी सारी शार्क्स इन्हें घेर लेती हैं। लेकिन तभी यहाँ क्लेगार्ट आता है अपनी शिप को लेकर, और इसके साथ डॉल्फ भी होता है। वो अब शार्क्स पर वार करता है, जिसके बाद सभी शार्क्स भाग जाती हैं। ये लोग सभी सील्स को बचाकर शिप पर चढ़ाते हैं। ग्रिम्स क्वीन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सभी लोग एक साथ आते हैं और ग्रिम्स को पानी में गिरा देते हैं। पानी में गिरने के बाद वो शिप के पंखे के जरिए मारा जाता है। एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब शार्क सील पर हमला नहीं करती और वो डर कर रहने लगती हैं, और यहाँ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। Hey, I got something, something.